हेलो गाइस, मैं मनीष, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी मनीष यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल की यहाँ पर नेट स्पीड को लेकर। यहाँ पर गाइस, हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो हमारे यहाँ पर टावर यहाँ पर कम आते हैं मोबाइल के अंदर। अगर हम गांव के अंदर भी जाते हैं तो यहाँ पर टावर कम आते हैं और हमारा नेट बिल्कुल स्लो चलने लग जाता है। तो उसको तेज कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको कोई ऐप डाउनलोड करने नहीं बताने वाला हूँ। आपको मैं मोबाइल के अंदर की ऐसी दो सेटिंग्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने तेज को आराम से तेज चला सकते हैं। ठीक है, आप अपने नेट को आराम से तेज चला सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। एंड गाइस, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे ऐसे ही नई नई वीडियो आप सबसे पहले देख सके। ओके, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो गाइस, यहाँ पर हम मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। एंड गाइस, अगर आपको यहाँ पर देखना है कि मोबाइल को आप अपना फास्ट कैसे चला सकते हैं, उसके लिए आपको एक वीडियो मिलेगा आई बटन के अंदर, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर नेट स्पीड की। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा अपना नेट ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 810 MB यहाँ पर उड़ चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सेटिंग के ऊपर आपको जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा है, यहाँ पर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क देखने को मिलता है। ठीक है, इसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर आप टैप करते हैं, सिंपल सा है, यहाँ पर आपको यहाँ पर मोबाइल डाटा मॉड्यूल 4G यहाँ पर सब सिस्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एयरटेल के ऊपर जाना होगा, यानी कि जो इस फ्री सिम के अंदर आप नेट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपको जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रेफरेंड नेटवर्क टाइप आपको देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर जाना है। एंड आपका आप यानी कि गाँव गए हो, यहाँ पर टावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 2G ओनली पर सेट करना है। ठीक है, 2G ओनली पे आपने सेट किया, उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक ऊपर सेटिंग्स हैं, यहाँ पर अनेबल होके डिसेबल होएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, वापस जाते हैं, 3G के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके यहाँ पर मोबाइल के अंदर टावर नहीं आ रहा है, आप अगर आप गांव के अंदर हैं तो यहाँ पर आप नेट चलाएंगे तो यहाँ पर आपको 3G के अंदर ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 3G के अनेबल करेंगे तो 3G स्पीड के अंदर यहाँ पर आपको कम से कम यहाँ पर 250 से यहाँ पर 500 KB की स्पीड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर 4G की बात करें तो अगर हम सिटीज़ के अंदर रहते हैं तो वहाँ पर आपको टावर फुल मिलते हैं और उसके अंदर हम 4G नेटवर्क चला सकते हैं। ठीक है, अगर आप गांव जाते हैं तो यहाँ पर 3G चलाएं, उसके बाद आप प्रेफर LTE यानी सिटी के अंदर आने के बाद 4G कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर कहीं भी चले जाते हैं इसके इस सेटिंग से भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आप फ्लाइट मोड लगाकर इसको भी यहाँ पर चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थर्ड सेटिंग है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका नेट इन सेटिंग्स के बाद भी नहीं चलता है, उसके बाद अगर आप कस्टमर केयर से ऑप्शन पे बात करते हैं, उसके बाद वो बोलेगा आपको डाटा रोमिनिंग के ऊपर क्लिक करना है जाकर, एंड उसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड आपको ऑलवेज पर सेट कर देना है एंड टर्न ऑन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप डेट यहाँ पर जो कि डेली डाटा लिमिट भी सेट कर सकते हैं रोमिंग के हिसाब से, एंड यहाँ पर जो कि डाटा रोमिंग यहाँ पर ऑलवेज हमने सेट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर डाटा यहाँ पर सेविंग भी आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी 1.46 GB यहाँ पर साइज बची हुई है, मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर डाटा रोमिनिंग ऑन हो चुका है तो हमारी स्पीड यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज आएगी। यहाँ पर हम कुछ चला कर दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पर गुरु के यहाँ पर आपको यूट्यूब के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आप टैप करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं सिंपल से यहाँ पर थंबनेल से यहाँ पर ऑटोमेटिकली लोड हो रखे हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर हमारा नेट है जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। यानी ऐसे यहाँ पर आप कोई गांव के अंदर जाते हैं, अभी भी मैं आपका यहाँ पर गांव के अंदर ही हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर मेरा मोबाइल यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, साथ में आपको यहाँ पर नेट भी तेज चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, आपको विश्वास नहीं तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी स्पीड यहाँ पर आपको 60 KB की आ रही, क्योंकि हमने अभी तक कुछ डाउनलोड नहीं किया, यहाँ पर कुछ भी प्रोसेस नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप ये सेटिंग्स का यूज करके अपने मोबाइल नेटवर्क से स्पीड बढ़ा सकते हैं। ओके, तो गाइस ये दो सेटिंग्स थी, आपने यूज कर ली एंड आपका नेट भी बहुत ज्यादा तेज चल रहा होगा। मैंने भी यहाँ पर यूज किया था, मैं जब गांव गया था, एंड यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा स्मूथली चल रहा है नेट। यहाँ पर हाई स्पीड तो नहीं आती, लेकिन फिर भी हम चलाते हैं जितनी स्पीड तो हमारे पास आ ही जाती है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा थोड़ा बहुत भी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड कमेंट करके जरूर देना कि वीडियो के अंदर आपको क्या टॉपिक अच्छा लगा। ओके, एंड गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ओके, बाय।